अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। पिज्जा मंगा या पास्ता? The thermidor is really nice here. The what? The prawn thermidor. I don't know, you choose. Oh hey, hi, what's up? Welcome back to another Thursday. I am Prajakta. Happy New Year, by the way. And if you can see, I'm on a date. I am usually the type of girlfriend jo date pe jaati hai sirf khana khane ke liye. But according to my research, I have found out that there's a lot of other types of girlfriends. Dekhe, let's go. Anuja ne Facebook pe tumhare saath ek photo upload ki hai. Obviously, you'll unfriend her, right? Hi, I'm the possessive one. Kya? Usi cheez pe aag jata rahi hu jo mera hai. Sirf mera. And? Then I'm meeting a few friends. Friends? Yeah. Why do you need friends? You have me. Meet me. मैं उस दिन निशिता से बात कर रही थी, तुम अपना जो बॉयज ट्रिप प्लान कर रहे थे ना, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, मैंने सारी तैयारी कर ली है. यू एंड मी ऑन द बॉयज ट्रिप इज गोइंग टू बी फैबुलस. आई कांट वेट टू मीट योर फ्रेंड्स. इज दैट योर एक्स गर्लफ्रेंड? यस यस, आई विल मैरी यू, ऑफ कोर्स आई विल. लेडीज एंड जेंटलमैन, ही जस्ट प्रपोज्ड टू मी. ओह, आई लव यू टू. ड्रिंक्स ऑन हिम. Oh look, it's your ex-girlfriend. Kya ho gaya? You look upset. Kuch nahi. I'm the emotional one. Sudeep kehta hai main har dusri cheez pe ro deti hu. Aisa bilkul bhi nahi hai. Maine subah tumhe good morning message kiya tha na. तुमने पूरे 5 मिनट बाद रिप्लाई किया. मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो. आज जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो इतनी मोटी काली बिल्ली मेरे सामने से निकल गई. कल रात को मैं बहुत रोई. न्यू ईयर था, सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, फटाके फोड़ रहे थे. सच एन इमोशनल टाइम, यू नो. और शॉपिंग के बाद ना एल्को में जाके ना हम पानी पूरी खाएंगे. इट्स रियली नाइस वहां पे. क्या हो गया बेबी? तुम्हारी याद आ गई. अरे मैं यहीं पे तो हूं. अच्छा हाँ, सॉरी, तुम क्या कह रहे? चीज़! Oh my God, this water is so good. It's the best water I've ever had. Hi, I'm the happy one. And why not? There's so much in life that is beautiful. No matter what happens, I love my life. कॉफी भी है यहाँ की. कोल्ड कॉफी इज द बेस्ट. मतलब यहाँ के अगर कोल्ड कॉफी नहीं पी तो बस तुमने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है. ठीक है, सो आर कॉफी टू कॉफी? नो नो, आई डोंट ड्रिंक कॉफी. क्या है ना, जब मैं कॉफी पीती हूँ तो मेरे को एकदम से कॉफी प्लस शुगर से रश हो जाता है. मतलब अभी जैसे मैं काम कंपोज हूँ ना, मेरा एनर्जी लेवल एकदम, और कॉफी पीने से ना एकदम से बदन में करंट 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 हो जाता है. इसलिए आई टेक इट इजी, यू नो. ओह माय गॉड, क्या हुआ? It's the 730th time that we've come out for coffee. I think we should click a picture. Come. You wanna go for a movie? यार आजकल अच्छे movies बनते ही कहाँ हैं यार. नहीं movie तो वो अच्छी थी. क्या उसका तेरे नाम? यार उसमें जब एंड में सलमान खान पागल हो जाता है ना, जो मैं फूट फूट के रो रही हूँ. मजा ही आ गया. हमने किया. ये तो दबंग था. अरे नहीं, वो तो ये था. Where were you last night at 1:30? I'm the one who cheats. Not by choice, huh? हो जाता है. पर अब क्या बोलूं? कल रात को 1:30 बजे अरे मेरे घर पे माता का जगराता था, वहीं थी. बेबी तुम भी ना, तुमको मैंने कितनी बार बोला है, अगर नहीं संभाली जाती तो मत पियो इतनी. Idiot! कल जब तुम घर पे आए थे तो मेरी मॉम नहीं, वो मैं ही थी. Hi babe. बी मौसी, देवी मौसी प्रणाम. मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ. हाँ हेलो हेलो मासी, मेरे फोन ओ ना, मेरा फोन तो गिर गया. अगर ऐसे मेरे पे बार बार शक करते रहोगे ना तो मैं ब्रेकअप कर दूंगी. आई ब्रेकअप विद यू. मुझे लगता है तुम्हारे दिल में खोटे क्योंकि तुमको बार बार शक आता रहता है. आई थिंक यू आर चीटिंग ऑन मी एंड आई एम लीविंग यू. आई एम लीविंग. मैं जा रही हूँ, मैं बहुत दूर जाऊंगी. हेलो, कहाँ हो? अच्छा, लेकिन घर से तो 45 मिनट्स पहले निकल गए थे. I'm the detective girlfriend. Mind you,
डिटेक्टिव बनना मैंने चूज नहीं किया था, मर्दों की फितरत ने मुझे डिटेक्टिव बना दिया। अच्छा सुनो, शेयर करो ना अपना लाइव लोकेशन। कल तुम्हारा फोन बिजी क्यों था? मैं तो फ्री थी। और मजे की बात जानते हो, जब तुम्हारा फोन बिजी था ना, उसी टाइम पे अनीता का फोन भी बिजी था। What coincidence, don't you think? अच्छा, लोखंड वाला में हो, सौरभ के साथ? हेलो सौरभ। हाँ या ना में जवाब देना। हेलो करण। हाय राजेश। यार सौरभ, राजेश, रश्मि, करण, इनके अलावा किसके साथ हो तुम? ट्रेन में हो? आवाज तो नहीं आ रही ट्रेन की पीछे से। एक काम करते हैं, मैं ना तुमको वीडियो कॉल करती हूँ, ठीक है? Go इधर and then we'll have a quick snack. Oh, that is so cute. Yeah. I'm the time bomb. Any moment now, I'm gonna burst out into flames. फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ का समोसा बहुत अच्छा है। okay. और कल ही तो मोमो खाया, तो आज मोमो नहीं खाता, आज समोसा खाएंगे। समोसा? तुमने कल मोमोज खाए थे? आदित्य के साथ मोमोज खाने का बड़ा मन है तुम्हारा, मेरे साथ मोमोज खाने का मन नहीं करता सुदीप। यही प्रॉब्लम है ना सुदीप, मोमोज आर नॉट जस्ट फूड, मोमोज आर प्रायोरिटीज, मोमोज आर सपोर्ट, मोमोज आर कमिटमेंट, जो देने से तुम हमेशा से डरते हो। तो फिर मोमो नहीं, समोसा मोमो खा लेते, मैं ऑर्डर कर लेता हूं मोमो। मुझे नहीं खाने, तुम अपने दोस्तों के साथ जाके खाते हो ना, मैं भी अपने दोस्तों के साथ खा के आऊंगी अब। फिर समोसा मोमो? यू आर सच अ स्पाइनलेस मैन। शादी के लिए जब पूछोगे मैं मना करूंगी, तो किसी और लड़के को जाके पूछ लोगे, मेरे को एक बार फिर से नहीं पूछोगे? ठीक है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, टेल मी हाउ ईटिंग मोमोज विद आदित्य वाज मोर इंपॉर्टेंट देन ईटिंग मोमोज विद मी राइट नाउ, टेल मी, एक्सप्लेन नाउ सुदीप, मुझे नहीं सुनना। लीव, लीव, लीव सुदीप, निकल गए, यही तो मैं कह रही थी, आई न्यू इट, तुम्हारे जैसे स्पाइनलेस इंसान मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं है। मना कर दिया तो निकल गए, उठ के अब आदित्य के साथ जाके खाना बाकी के मोमोस। वेटर, मेरे लिए एक चिकन मोमोस प्लीज, अकेले खाऊंगे, मेरे को मर्दों की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाय, फिर से लेट? हां, देयर वाज टू मच ट्रैफिक डाउनस्टेयर्स, टू मच ट्रैफिक। कल को मोंटू को स्कूल से पिकअप करना होगा, तो ट्रैफिक के मारे उस बेचारे बच्चे को स्कूल के बाहर खड़ा रखोगे आधा घंटा? कौन मोंटू? हाय, आई एम द कमिटेड वन, आई एम इन दिस फॉर द लॉन्ग रन। हाँ, ये कैजुअल रिलेशनशिप वगैरह वाला फंडा मेरे समझ नहीं आता। मोंटू हमारा बेटा, एक महीना हुआ है, वी हैव स्टार्टेड डेटिंग। हाँ तो, सो लेट्स टेक इट इजी, नो? अरे वी आर टेकिंग इट इजी यार, तुम एक महीना और ले लो। सुनो, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है क्या? मैं उस दिन मम्मी जी से भी वही बात कर रही थी, मैंने कहा सुनो शादी के पहले दो साल तो अपनी मम्मी को बता दिया? हाँ, पर मैं तुम्हारे मम्मी से बात कर रही थी, वो घर आई थी ना चाय के लिए। क्यों? चाय के लिए। तब मैंने उनसे कहा कि यार कपल्स की भी अपनी कोई लाइफ होती है या नहीं, पहले दो साल तो हम मस्त मौज करेंगे, सारी दुनिया घूमेंगे, तीसरे साल के बाद शायद ग्रैंड चाइल्ड प्लान करना शुरू कर दे, उससे पहले कुछ नहीं। मैंने तो बोल दिया, मेरे को लगता है हमें अगले एक महीने तक घर फाइनलाइज करके रख देना चाहिए, तुम अपने हिसाब से लो, नो टेंशन, तुम यू टेक इट इजी, लेकिन प्लानिंग तो चाहिए ना। You know what? You look so exhausted. I think you need a break, yeah. Why don't you go to Goa with your boys? None of your friends have it. So this year on your birthday, I'm going to buy you a PS4. Oh my god, I love wrestling. You want to watch football tomorrow night? Tumne kal raat ko bhi safai nahi ki. It's okay. Tum thak gaye hoge na? It's fine. Don't worry. I'll clean everything. Tum kal raat ko 4 baje ghar aaye? You must be exhausted, boo. You must have a hangover. Main nimbu pani leke aati hu. Rajita, I'm sorry. I'll never lie to you again. I know you're sorry and I believe you. Hey, I'm the perfect girlfriend. And I do not exist, so stop looking. So your list of girlfriends to bahut lambi hai. You know what I'm waiting for? The perfect boyfriend. Do you want a video on that? Comment below. Also, kaun se type ki girlfriends ko tumne date kiya hai? Please educate the rest of us, put in the comments below. If you haven't subscribed yet, you should do that. Subscribe button ko click karke uske bagal wali bell pe bhi click karna, so that every time I upload a video, you'll get notified. Also, if you like this video, give it a big fat thumbs up. Don't forget, I come up with new videos every Tuesday, Thursday and Saturday. I'll see you guys again on Saturday. Until we meet, love, love.